हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ एटर्नल लव एंड रेन। सो गाइस, लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि सू बेघर हो जाती है और निंग उसे अपने घर ले आता है। निंग का घर बहुत ही आलीशान होता है और वह उसे देखकर बहुत खुश होती है और उसे वो पल याद आता है जब निंग अपनी बाहों में उठाकर उसे अपने घर लेकर आया था। वो अपनी सोच में गुम होती है कि तभी वहाँ निंग आ जाता है। निंग को अपने सामने देखकर वो चौंक जाती है और उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ओह, मैं समझ गई, तुम मुझसे यही कहना चाहते हो ना कि अब मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में रहूं। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा ऑफर मंजूर करती हूं। जब तक मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती मैं तुम्हारे घर में रहूंगी। तो निंग उससे कहता है कि ज़्यादा सपने मत देखो और अपनी बकवास बंद करो। मैं रात को तुम्हें अपने घर में इसलिए लेकर आया था क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि कोई मेरे दरवाजे पर पड़ा पड़ा मर जाए। जितनी जल्दी हो सके अपना सामान पैक करो और निकलो यहाँ से। ये सुनकर सू परेशान हो जाती है और निंग के सामने हाथ जोड़कर कहती है कि कुछ वक्त मुझे अपने घर में रहने दो प्लीज़, 3 महीने, नहीं तो 1 महीना, अच्छा कम से कम 15 दिन तो मुझे अपने साथ रहने दो। तो निंग उससे कहता है 3 दिन, सिर्फ 3 दिन तुम्हारे पास है और उसके बाद तुम्हें यहाँ से जाना होगा। ऐसा कह के वो वहाँ से चला जाता है और सू उसके जाने के बाद गुस्से में बोलती रह जाती है कि इस कछुए का तो 1 दिन मैं चटनी बना दूंगी। बाहर गार्डन में प्रिंस खाना खा रहा होता है, तभी सू उसके पास खाना खाने के लिए पहुंच जाती है। उसे देखकर प्रिंस घबरा जाता है क्योंकि प्रिंस को लगता है कि ये एक घोस्ट है। बेचारा प्रिंस घबरा कर वहाँ से भाग खड़ा होता है। इसके बाद निंग सोचती है कि इसने ऐसा क्या देख लिया जो ये इतना डर गया, और तभी उसे सामने निंग की पेंटिंग्स दिखाई देती हैं और वो उन पेंटिंग के बारे में सोचने लगती है कि मेरे पिताजी के ऊपर जिस पेंटिंग को जलाने का इल्ज़ाम है क्या वो रियल थी। और इसके बाद वो सुप्रीम कोर्ट जाती है अपने पिता से जेल में मिलने के लिए, लेकिन क्योंकि जेल में मिलने की परमिशन नहीं होती है इसलिए वो वहाँ खड़े पहरेदार को ब्राइब करती है और उसे अपने पिता से मिलने के लिए कहती है और वो उसे अपनी चेन देती है जिससे कि वो उसे उसके पिता से मिलने दे। लेकिन पहरेदार बहुत ही बेईमान होता है, वो उसकी चेन भी ले लेता है और उसे मिलने की परमिशन भी नहीं देता। तभी वह उसकी कज़िन टैंग आ जाती है जिसे वो जनरली खास पसंद नहीं करती है। वो उस पहरेदार को डांटती है और सू की चेन वापस दिलाती है। टैंग सू से कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, लेकिन सू कहती है कि मैं अपनी परेशानी खुद सॉल्व कर लूँगी। चैंग फेंग उन दोनों की ये बात सुन रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि मैं भी देखता हूँ तुम कब तक खुद को इतना स्ट्रांग दिखाती हो, क्योंकि एक ना एक दिन तुम्हें मेरे पास भीख मांगने आना पड़ेगा। इसके बाद सू मदद मांगने के लिए अपनी फ्रेंड लियो के पास जाती है। लियो की फैमिली एक अच्छी पोस्ट पर थी, लेकिन लियो का गार्ड सू को मिलने से मना कर देता है और कहता है कि मैडम अभी बिजी हैं। तो सू एक लेटर लियो के लिए छोड़कर वहां से चली जाती है। इसके बाद लियो सू से मिलने के लिए आती है और वो सू से कहती है कि अगर तुम अपने पिता के केस में मेरी कोई हेल्प चाहती हो तो माफ़ करना, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। तुम जानती हो मेरा भाई सेक्रेटरीट है लेकिन वो कभी भी गलत का साथ नहीं देता। तो सू कहती है लेकिन मुझे लगता था कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और तुम मुझे समझती हो। तुम जानती हो मेरे पिताजी ने कुछ भी नहीं किया है और वो कभी ऐसा कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन लेजिलियो उसकी कोई बात नहीं सुनती, वो उस पर इल्ज़ाम लगाती चली जाती है और उससे कहती है कि अब तुम्हारी फैमिली पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। तो सू कहती है कि मैं समझ गई, तुमने कभी मुझे अपनी दोस्त माना ही नहीं था, लेकिन याद रखना मेरे पिता जेल में ज़रूर है पर मैं इतनी कमज़ोर नहीं हूँ, मैं अपने दम पर उनको बेगुनाह साबित करके रहूँगी। तो लेजिलियो कहती है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो तुम, एक बार यहाँ से बाहर तो निकलो, तुम्हें पता चलेगा कि लोगों की नज़रों में तुम्हारी औकात क्या है। और होता भी यही है, जैसे ही सू लेजिलियो से मिलकर बाहर निकलती है कई लोगों की भीड़ों से घेर लेती है और उसके बारे में उल्टा सीधा कहने लगती है कि इसके पिता एक देशद्रोही हैं। बेचारी सू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन तभी निंग वहाँ पहुँच जाता है जो सू को इस तरह से नहीं देख पाता। वो सू को अपने साथ कवर करता है और उसे वहाँ से ले जाता है। घर पहुँचने के बाद सू निंग से क्वेश्चन करती है कि तुम्हारे घर में जो ड्रैगन पेंटिंग्स हैं वो कुछ कुछ वैसी ही हैं जिस तरह की पेंटिंग मेरे पिता पर जलाने का इल्ज़ाम लगाया गया है, क्या वो झैन लैंड की पेंटिंग है। तो निंग कहता है कि तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो कि मिस्टर झैंग की पेंटिंग हमें ऐसे ही मिल सकती हैं। इसके बाद निंग कहती है कि अच्छा ठीक है, लेकिन मुझे तुमसे एक और काम है, तुम ग्रांड सेक्रेटरीट हो, तुम्हारे हाथों में पावर है, क्या तुम सिर्फ एक बार मुझे मेरे पिताजी से मिलवा सकते हो और मेरे पिता के केस के इन्वेस्टिगेशन में मेरा साथ दे सकते हो। लेकिन निंग उसकी मदद करने से मना कर देता है। ये सुनकर सू बहुत परेशान हो जाती है और वो वहाँ बैठकर रोने लगती है क्योंकि अब उसे अपने पिता को बचाने का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आता। उसको इस तरह से रोते हुए नहीं देख पाता, वो उससे कहता है कि उठो
मैं तुम्हें तुम्हारे पिताजी से मिलवाने ले जा रहा हूँ। और इस तरह सू अपने पिता से जेल में मिलने पहुँच जाती है। उसके पिता उसे देखकर बहुत खुश होते हैं। वो अपने पिता से उनके हालचाल के बारे में पूछती है। इसके बाद वो अपने पिता को मिस्टर निंग से मिलवाती है कि ये क्राउन प्रिंस के नए टीचर हैं और आजकल मैं इन्हीं के घर पर रह रही हूँ। सू के पिता उसे समझाते हैं कि मैं जानता हूँ तुम मेरे लिए बहुत परेशान हो, लेकिन फिर भी तुम मेरे केस में ज़्यादा इन्वॉल्व मत होना वरना तुम भी परेशानी में पड़ जाओगी। और अब तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ क्योंकि मुझे मिस्टर निंग से अकेले में कुछ बात करनी है। मिस्टर सू को निंग को देखकर कुछ याद आता है और वो निंग से उसकी एज पूछते हैं। निंग उन्हें बताता है कि मैं अभी 20 साल का हूँ। तो मिस्टर सू ने बताते हैं कि तुम बिल्कुल मेरे टीचर के जैसे हो जिनका नाम झेंग लैन था और जिन्होंने मुझे प्रमोट किया था। क्या तुम उनको जानते हो? अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि निंग ही झेंग लैन भी था, क्योंकि निंग 500 सालों से धरती पर रह रहा है और वो अलग अलग रूपों में यहाँ रहता है। तो निंग मिस्टर सू से मना कर देता है कि हाँ मैंने उनके बारे में सुना है, लेकिन मैं उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता सिवाय इसके कि एक एक्सीडेंट में अब वो मारे जा चुके हैं। इसके बाद निंग और सू जेल से लौट रहे होते हैं कि बातों ही बातों में सू निंग को बताती है कि मैं एक ड्रैगन से शादी करना चाहती हूँ और मुझे विश्वास है कि जिस ड्रैगन ने बचपन में मुझे बचाया था मैं एक दिन उसी की वाइफ बनूंगी। इसलिए अगर तुम आज मेरी मदद करते हो और मुझे पैसे देते हो तो तुम्हें फ्यूचर में पछताना नहीं पड़ेगा। पता नहीं क्यों लेकिन ये बात सुनकर निंग को बहुत बुरा लगता है और वो सू से गुस्से में कहता है कि क्या तुम पागल हो? तुम सिर्फ एक ड्रैगन से इसलिए शादी करना चाहती हो क्योंकि उसने तुम्हें बचाया था? इस हिसाब से तो पता नहीं कितनी लेडीज ऐसी होंगी जो एक ड्रैगन से शादी करना चाहती होंगी। तो सू कहती है कि ओ माई गॉड, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम जब तुमने मुझसे इतनी सारी बातें की हैं, लेकिन एक बात बताओ, मेरी शादी का सुन के तुम्हें इतना बड़ा झटका क्यों लगा? निंग कन्फ्यूज़ हो जाता है और वो नज़र झुकाकर कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, बस तुम्हारी बातें मुझे बेवकूफ़ाना लगी इसलिए मैंने तुम्हें टोक दिया। इसके बाद वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी सू उसका हाथ पकड़ लेती है और झटके से उसे अपनी तरफ खींचती है जिससे कि दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को बहुत गौर से और बहुत ही प्यार से देखने लगते हैं। और इसी प्यारे से सीन के साथ हमारा आज का पाठ ख़त्म होता है। तो ये ब्यूटीफुल सा पाठ आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। गाइस सडनली मेरे चैनल पर व्यूज़ बहुत कम हो गए हैं। आई नो कि मैं वीडियोज़ काफ़ी गैप के बाद डाल पाती हूँ, बट इसका भी एक रीज़न है, आई एम रियली वेरी बिजी। लेकिन आप लोग प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को देखिए और अगर आपको पसंद आते हैं तो उन पर कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। योर कमेंट्स मीन्स अ लॉट फॉर मी। इस ड्रामा का प्लेलिस्ट भी मैंने बना दिया है, क्योंकि अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप जाकर प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में जो प्रॉबेबली कल ही आपको देखने को मिल जाएगा। तब तक आप लोग इस वीडियो को इंजॉय कीजिए। चाचा बाय बाय, सायोनारा एंड टेक केयर।